नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव शर्मा और मैं आज पुनः आपका स्वागत करता हूँ एचीवर्स ICS एकेडमी में। दोस्तों, हम हिंदी भाषा पर चर्चा कर रहे थे और इससे पहले भी दो लेक्चर मेरा हिंदी पर आ चुका है और उस लेक्चर को आपने अपना बहुत प्यार दिया, उसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने पढ़ाई को इसी तरह निरंतर आगे बढ़ाते जाएंगे और हिंदी के आज तीसरे लेक्चर को भी अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों, हिंदी में हम लोग चर्चा कर रहे थे हिंदी भाषा पर। पहले कक्षा में हमने पढ़ा था कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ था, उसके क्रम क्या थे। दूसरे भाषा में हमने हिंदी भाषा की बोली, उपभाषा आदि पर चर्चा किया था और आज उसी चर्चा को फिर से आगे लेकर चलते हैं। जो भी मेरे नए दोस्त हैं, जो भी मेरे नए साथी हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज के इस वीडियो के बाद पुराने दो वीडियो को भी देखें और जो मेरे पुराने साथी हैं उनसे यह उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने वो पुराने वीडियो का अध्ययन कर रखा होगा। तो दोस्तों, आज हम हिंदी पर जो चर्चा करने जा रहे हैं, चर्चा का विषय होगा राजभाषा। और जब भी मैं राजभाषा बोलता हूं दोस्तों, तो हिंदी विषय के साथ साथ इसमें मैं आपके संविधान को भी सम्मिलित करना चाहूँगा। तो जो भी मेरे ऐसे मित्र हैं, मेरे ऐसे साथीगण हैं, मेरे ऐसे दोस्त हैं जो किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो संविधान का अध्ययन करते होंगे, पॉलिटी का अध्ययन करते होंगे। और पॉलिटी का अध्ययन करते होंगे तो उनको पता है कि अगर राजभाषा हम पढ़ रहे हैं हिंदी में, तो संविधान में भी भाग 17 में हम राजभाषा पढ़ते हैं। तो जो आज का मेरा क्लास होगा, कहीं ना कहीं वह हिंदी विषय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण होगा और संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आज की जो क्लास होगी उसमें मैं संविधान को समझाने की कोशिश करूंगा और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसको बहुत ही सरल शब्दों में समझाऊं, क्योंकि मुख्य विषय तो हिंदी है, संविधान तो बाद में पढ़ना है। लेकिन आज का जो सब्जेक्ट है हिंदी में राजभाषा, और उस राजभाषा का संबंध संविधान से भी है। तो आइए पहले तो संविधान को समझते हैं कि संविधान होता क्या है। तो एकदम मैं साधारण भाषा में आपको बताना चाहूँगा, एकदम सिंपल भाषा में अभी आपको हिंदी को समझाने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि मान लीजिए संविधान कानून की एक पुस्तक है। सिर्फ समझने के लिए मान लीजिए संविधान कानून की एक पुस्तक है। और कैसी पुस्तक है भैया? तो सर्वोच्च पुस्तक है। तो मैं बोला संविधान कानून की एक सर्वोच्च पुस्तक है और जिसमें क्या है, तो नियम एवं कानूनों का संकलन है जिसके माध्यम से सरकार का संचालन होता है। अर्थात आपने सोचा है कि भारत देश में एक राष्ट्रपति है तो क्यों है? तो मैं कहना चाहूँगा क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आपने सोचा है हर राज्यों में एक मुख्यमंत्री है तो क्यों है? क्योंकि हमारे संविधान में उल्लेख है कि राज्यों का एक मुख्यमंत्री होगा। इसी प्रकार हमारे संविधान में भी कहा गया है कि हमारे जो देश है उसकी राजभाषा होगी, इसीलिए राजभाषा जो शब्द है एक संवैधानिक शब्द है। तो दोस्तों, पहले संविधान को समझते हैं कि संविधान है क्या। तो एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। यहाँ सभी मेरे साथी 10वीं पास हैं, क्लास 10th पास हैं और 10वीं में सभी ने गणित पढ़ा होगा। और गणित पढ़ते थे तो याद करो आपको क्या मिलता था, बुक खोलते थे तो, गणित की पुस्तक खोलते थे तो इकाई मिलता था। इकाई के बाद क्या मिलता था आपको? इकाई के बाद पाठ मिलता था और पाठ के बाद क्या मिलता था? प्रश्नावली मिलता था। इसी प्रकार मैंने बोला संविधान एक पुस्तक है समझने के लिए, तो संविधान के पुस्तक को भी जब आप खोलोगे तो आपको तीन चीजें मिलेगी। क्या क्या मिलेगी? तो संविधान में याद रखिएगा, आपको अनुसूची मिलेगा, अनुसूची के बाद आपको क्या मिलेगा? भाग मिलेगा। भाग के बाद आपको क्या मिलेगा? तो भाग के बाद आपको अनुच्छेद मिलेगा। मैं सिर्फ इस चीजों को आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि संविधान की पुस्तक खोलोगे तो आपको तीन चीजें मिलेगी। क्या क्या मिलेगा? अनुसूची मिलेगा, भाग मिलेगा और अनुच्छेद मिलेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि जो मैं राजभाषा पढ़ाने वाला हूं, वह राजभाषा संविधान के किस अनुसूची में है, किस भाग में है और उसका अनुच्छेद का प्रावधान कहां से कहां तक है? तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न यह बनता है कि बताइए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है
या राजभाषा है। तो बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र होंगे जो बोलेंगे एग्जाम में इतना सरल क्वेश्चन आया है और राष्ट्रभाषा को टिक कर देंगे और वो यहाँ पर गलत हो जाते हैं। हरदम याद रखिएगा, यदि हिंदी कैसी भाषा है पूछेगा तो याद रखिएगा वो एक राजभाषा है। और राजभाषा क्यों है? क्योंकि संविधान में कहा गया है कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी। पहला चीज ये क्लियर हुआ। तो प्रश्न बनेगा कि हिंदी कैसी भाषा है दोस्तों? तो हिंदी एक राजभाषा है। क्यों है? क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख भारत संघ के राजभाषा के रूप में किया गया है। अब देखते हैं कुछ राजभाषा के बारे में। दोस्तों आज का जो क्लास है उसमें मैं संविधान को साथ लेकर चल रहा हूं, कोशिश कीजिएगा इसको समझने का। और यह हिंदी के साथ साथ ही आपके संविधान के भाग 17 का भी बहुत ही आधार चीजें इसमें शामिल किया गया है जिसको मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिएगा, अब चर्चा करते हैं राजभाषा। तो आज के हिंदी में हम चर्चा किस पर करने वाले हैं? राजभाषा पर। राजभाषा कहने का तात्पर्य है सरकारी काम काज की भाषा। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछेगा, पहला प्रश्न, हिंदी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है, तो आपका उत्तर होना चाहिए हिंदी राजभाषा है। तो मैं आपसे प्रश्न करता हूं, ठीक है आपने बोल तो दिया हिंदी राजभाषा है, बताइए दोस्तों राजभाषा का तात्पर्य क्या है? तो आप बोलोगे सर राजभाषा मतलब होता है सरकारी काम काज की भाषा। मैंने बोला वाह। तो मैं बोलूंगा बताइए कि राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में मिलेगा, संविधान के किस भाग में मिलेगा और संविधान के किस अनुसूची में मिलेगा? तो दोस्तों आइए उस चीज को समझने से पहले संविधान के कुछ चीजों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, समझिएगा ध्यान से, आज के क्लास में भले ही जरा समय लग सकता है लेकिन यह क्लास ऐसा होगा जो आपके लिए हमेशा उपयोगी रहेगा। तो संविधान, मैंने बोला संविधान के पुस्तक को आप खोलोगे तो आपको कितने चीजें मिलेंगे भैया? तीन चीजें मिलेंगी। और वो तीन चीजें क्या थी अपनी, बताइए क्या थी? आप बोलेंगे सर अनुसूची थी। मैंने बोला ठीक है मैं लिख लेता हूं भाई। फिर मैंने बोला क्या था, तो आप बोलोगे सर वो तो भाग था। मैंने बोला ठीक है इसे भी लिख लिया हमने। और तीसरा चीज आपको क्या मिल गया भैया? अनुच्छेद। अर्थात संविधान का आप बुक खोले तो आपको तीन चीज मिला, अनुसूची, भाग और अनुच्छेद। चर्चा हो रहा है राजभाषा पर और राजभाषा का संबंध किससे? हमारे संविधान से भी है, इसीलिए राजभाषा को पढ़ने से पहले जरा संविधान को समझ लेते हैं। अब प्रश्न यह उठता है, मूल संविधान, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो हरदम याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछेगा मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या, मूल संविधान कहने का तात्पर्य जब हमारा संविधान बना था। यह प्रश्न भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है मित्रों कि हमारा संविधान कब अंगीकृत हुआ था। तो हरदम याद रखिएगा, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बना था। तो प्रश्न है, उसी को हम मूल संविधान भी बोलते हैं। और प्रश्न आएगा कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी हमेशा याद रखिएगा, 8 थी। तो मूल संविधान में कितने अनुसूची थे? 8 थे। प्रश्न यह भी पूछता है कि मूल संविधान में बताइए भाग की संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा 22 थी। प्रश्न यह भी पूछता है मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो हरदम याद करिएगा 395 थी। अर्थात इनकी संख्या हरदम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न इसमें भी दो प्रकार के बनते हैं कि मूल संविधान में कितनी थी और वर्तमान में मतलब आज के समय में इनकी संख्या भी पूछा जाता है। तो यदि वर्तमान की बात करूं,
वर्तमान में यदि बोल दे कि बताइए वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूची है, तो दोस्तों याद रखिएगा मूल संविधान में तो थे 8, वर्तमान में है अनुसूचियों की संख्या 12। कितने हैं? 12। यदि भाग बोल देगा तो भाग 22 ही हैं, और यदि अनुच्छेद बोल देगा तो 395 ही हैं। याद रखिएगा ये वर्तमान की स्थिति हो, यदि कभी गणना में पूछ देता है तो यह 464 प्लस हो जाता है, लेकिन हमको उसमें नहीं जाना है। तो हमने क्या पढ़ा, संविधान को हम खोलेंगे, संविधान एक पुस्तक है, पुस्तक को आप खोल रहे हो तो हमको 3 चीज प्राप्त हो रहा है, अनुसूची, भाग और अनुच्छेद। और जैसे ही मैं अनुसूची बोलता हूँ तो मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी है, 8 है, भाग कितने हैं, 22 हैं, और अनुच्छेद कितने हैं, 395। इसी को मैं यदि वर्तमान के स्वरूप में बात करूँ तो बताइए आज के संविधान में कितनी अनुसूची हैं, तो आप बोलेंगे सर 12 हैं। मैं बोलूँगा भाग तो 22 है, अनुच्छेद उतने ही हैं, 395। अर्थात हमारा इसी में परिवर्तन देखा जा रहा है। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं हिंदी, और हमको पढ़ना हिंदी के बारे में, और हिंदी में भी क्या, राजभाषा के बारे में, और राजभाषा का तात्पर्य मेरा क्या है, सरकारी कामकाज की भाषा। तो अब इसको मैं राजभाषा के रूप में ले जाता हूँ। तो यदि मैं बोलूँ राजभाषा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं राजभाषा को विस्तार से बताता हूँ। शायद आपने अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए चर्चा को आगे लेकर चलते हैं। दोस्तों अगर आपसे अब पूछ देगा राजभाषा के संबंध में, किस संबंध में, राजभाषा के बारे में बोल देगा कि बताइए यह किस अनुसूची में है। टोटल हमारे पास वर्तमान में कितनी अनुसूची, 12 अनुसूची है। मैं बोलूंगा मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो 8 अनुसूची थी। तो आपसे बोल देगा कि राजभाषा किस अनुसूची में है, ये सब प्रश्न बनते हैं, और उन प्रश्नों को मैं आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ। यदि बोल देगा राजभाषा को उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है, एक प्रश्न बन जाएगा कि बताइए राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, और एक प्रश्न यह बन जाएगा कि बताइए राजभाषा का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों के मध्य है। तो आपको उत्तर होना चाहिए दोस्तों, यदि राजभाषा का संबंध बोलेगा राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है, तो आपको उत्तर होना चाहिए 8वें अनुसूची में। अर्थात मूल संविधान में टोटल कितने अनुसूची थे, 8 थे, तो जो 8वें नंबर का अनुसूची था उसी में आपके क्या था, राजभाषा का उल्लेख था। मूल संविधान में 14 भाषाओं को राजभाषा के अंतर्गत रखा गया था, जबकि वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। खैर अभी वो संविधान का विषय है, आज सिर्फ हिंदी के संदर्भ में पढ़ेंगे। फिर मैं बोलूँगा राजभाषा में, राजभाषा को संविधान के किस भाग के अंतर्गत रखा गया है, तो आपको उत्तर होना चाहिए 17वें भाग के अंतर्गत हमारा राजभाषा संविधान में उल्लेखित है। साथ ही साथ यदि बोल देगा कि बताइए संविधान के किन अनुच्छेदों के मध्य राजभाषा के बारे में उल्लेख किया गया है या प्रावधान किया गया है, तो आपको उत्तर होना चाहिए अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 के मध्य। तो आज मैं पुनः अभी इन सब चीज़ों को दोहराता हूँ आपके सामने जो आज हमने पढ़ा है। तो दोस्तों एक बार रिवाइज करते हैं, और आज का हमारा हिंदी में जो टॉपिक चल रहा है वह है राजभाषा। राजभाषा कहने का तात्पर्य है मेरा सरकारी कामकाज की भाषा। यहीं से प्रश्न उठता है कि सर जो हिंदी है हमारी राजभाषा है या हमारी राष्ट्रभाषा है। तो बहुत से मेरे ऐसे दोस्त होंगे जो समझते होंगे कि यह राष्ट्रभाषा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। क्यों दिया गया है वो आगे चर्चा करेंगे, ठीक है।
तो आप हमेशा याद रखिएगा, आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है, तो आप क्या बोलेंगे, सर यह हमारी राजभाषा है। तो पहला प्रश्न का उत्तर बना कि हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है। दूसरा प्रश्न आपसे यह पूछेगा, ठीक है हमने समझ लिया है कि राजभाषा अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा, तो मैंने बोला ठीक। तो आप पूछेंगे सर बताइए, या फिर मैं पूछता हूँ आपसे कि बताइए राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, तो आप कहेंगे सर राजभाषा का जो उल्लेख है ना संविधान के 17वें नंबर के भाग में किया गया है। तो मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया। फिर मैं एक प्रश्न आपसे तुरंत पूछ दूंगा कि बताइए राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में है, तो आप तुरंत बोलेंगे कि सर यह तो 8वें अनुसूची में। लेकिन मैं बोल दूंगा कि बताइए राजभाषा के संबंध में जो अनुच्छेद है कहां से कहां तक है, तो आप बोलोगे सर यह तो 343 से अनुच्छेद 351 तक है। और इन्हीं अनुच्छेदों का भी अध्ययन हमको राजभाषा के संदर्भ में करना है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से संविधान के दृष्टिकोण से जो मुझे समझाना था मैं समझाने में सफल रहूँगा। कि राजभाषा के बारे में पूछेगा अगर किस अनुसूची में, तो आप बोल दोगे 8वें अनुसूची में। राजभाषा के संदर्भ में पूछ देगा कि यह किस भाग में, तो आप बोल दोगे 17वें नंबर के भाग में है। और राजभाषा के संबंध में पूछ देगा कि कहाँ से कहाँ के मध्य अनुच्छेदों में है, तो आप बोल दोगे अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य में है। अब इस चर्चा को आगे लेकर चलते हैं। दोस्तों एक शब्द आया राजभाषा, मतलब क्या हुआ था इसका, सरकारी काम काज की भाषा। दोस्तों मैं आपको इसको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप समझ सको कि राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है। दूसरा एक शब्द आता है राष्ट्रभाषा, इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्र में वहां के संपूर्ण लोगों द्वारा या बोला जाए बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा। लेकिन प्रश्न उठता है कि सर हम हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बोलते हैं, राजभाषा क्यों बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा जब संविधान बन रहा था और जब चर्चा चला राष्ट्रभाषा बनाने का, तो बहुत से लोगों ने कहा कि दक्षिण में चल दीजिए तो आपको मलयालम बोलने वाले मिलेंगे, तेलुगु बोलने वाले मिलेंगे, तमिल बोलने वाले मिलेंगे, कुछ जगह चल दीजिए आपको मराठी बोलने वाले मिलेंगे, असमिया बोलने वाले मिलेंगे, बांग्ला बोलने वाले मिलेंगे, मतलब कहीं ना कहीं हिंदी संपूर्ण क्षेत्र में नहीं बोला जा रहा था। तो एक फैसला किया गया कि हिंदी को क्यों ना राजभाषा बनाया जाए, और राजभाषा अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा बनाया जाए। लेकिन अनुसूची 8 में क्या किया गया कि उस समय मूल संविधान में अर्थात 26 नवंबर 1949 के समय की बात करूं, तो उस समय अनुसूची 8 में 14 भाषाओं को रख दिया गया, किसमें, अनुसूची 8 में। और राज्यों को कहा गया कि आप इन 14 प्रादेशिक भाषाओं में से किसी भी को अपने राज्य की सरकारी कामकाज की भाषा बना सकते हो। अर्थात मैंने यह बताने की कोशिश की आपको कि जो राज्य होते हैं वो उन 14 भाषाओं में से किसी को भी अपनी सरकारी कामकाज की भाषा बना सकते थे, अर्थात अपनी राजभाषा बनाते थे। यह जो सरकारी कामकाज की भाषा थी उस समय तो 14 थी, लेकिन वर्तमान में आपको मैं बोल दूं अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं, प्रादेशिक भाषाएं हैं, तो आप बोलोगे कि 22 हैं। तो मूल संविधान के 8वें अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया था, तो 14 को, और वर्तमान में कितनी रखा गया है, तो 22 को। अर्थात अब राज्य सरकार जो है, अब जो राज्य है इन 22 भाषाओं में से अपने लिए एक राजभाषा का क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। अब हुआ यह कि अब भारत संघ की बात करूंगा, मैं भारत देश की बात करूंगा कि भारत देश की राजभाषा क्या होनी चाहिए। तो एक दिनांक मिलेगा, एक डेट मिलेगा आपको, 14 सितंबर 1949, बहुत महत्वपूर्ण डेट है, याद रखिएगा
क्या मिलेगा? 14 सितंबर 1949 को आपको गोपाल स्वामी अयंगर जी मिलेंगे, और यही गोपाल स्वामी अयंगर जी ने हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को प्रस्तुत किया, और उसी दिन से हिंदी हमारी राजभाषा बनी। तो मैंने क्या बोला, पहला पॉइंट गोपाल स्वामी अयंगर द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो पहला प्रश्न यही बनता है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो आपका उत्तर होना चाहिए, सर 14 सितंबर 1949 को तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। दूसरा प्रश्न यह बनता है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में किसने प्रदर्शित किया था? तो आपका आंसर होना चाहिए कि गोपाल स्वामी अयंगर जी ने हिंदी को राजभाषा के रूप में क्या किया था, प्रस्तुत किया था, और इसी दिन से हिंदी हमारी क्या बन गई, राजभाषा बन गई। अर्थात एक पॉइंट तो ये बन गया, और एक पॉइंट ये बन गया कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है दोस्तों? हिंदी दिवस मनाया जाता है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आया होगा कि अगर मैं प्रश्न बोल दूं कि बताइए राजभाषा दिवस या हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको उत्तर होना चाहिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। मैं यदि बोल दूं कि हिंदी जो है, हिंदी भाषा को भारत देश की राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो आपको उत्तर होना चाहिए 14 सितंबर 1949 को प्राप्त हुआ। अगर मैं बोल दूं कि बताइए वह कौन व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रस्तुत किया था, तो आपका उत्तर होना चाहिए गोपाल स्वामी अयंगर जी थे। तो उम्मीद करता हूँ यह आपको समझ आ गया होगा कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, और राजभाषा के रूप में प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था। ठीक है, अब चलिए इस चर्चा को जरा सा आगे लेकर चलते हैं। यहां पर एक विशेष और याद रखिएगा, यह हो गया हिंदी दिवस या राजभाषा दिवस। अगर मैं ये तो हिंदी दिवस हो गया, लेकिन अगर मैं बोलूं, याद रखिएगा दोस्तों, विश्व, यहां मैं विश्व लिख रहा हूं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा अगर हिंदी दिवस बोला तो 14 सितंबर उत्तर होगा, लेकिन मैं बोल दिया विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्या उत्तर होना चाहिए? प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस में आपको संबंध समझ आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए चर्चा को मैं आगे लेकर चलता हूं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक बार इतना जो पढ़े हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। आज का जो चर्चा होना है हमारा, हिंदी में किस टॉपिक पर चर्चा होना है? राजभाषा पर चर्चा होना है। राजभाषा में हमने अभी तक चर्चा किया, यदि मैं आपसे प्रश्न पूछ दूं कि
कि बताइए संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है, तो आप बोलेंगे सर संविधान के भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। यदि मैं आपसे एक प्रश्न कर दूं, बताइए संविधान के किस अनुसूची में राजभाषा संबंधी भाषाओं का उल्लेख है, तो आप तुरंत ही बोलेंगे सर अनुसूची 8 में इसका उल्लेख है। मैं बोल दूंगा बताइए संविधान के किन अनुच्छेदों के मध्य राजभाषा संबंधी अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया है, तो आप तुरंत मेरे को उत्तर देंगे सर अनुच्छेद 343 से ना 351 के मध्य क्या हुआ है, अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया है। मैंने कहा ठीक है आपको बहुत अच्छा जानकारी, आप यह बता दीजिए कि आप राजभाषा से क्या समझते हैं, तो आपका तुरंत उत्तर आना चाहिए सर राजभाषा से तात्पर्य सरकारी कामकाज की भाषा। तो मैं बोला ठीक है। तो एक प्रश्न मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, जब प्रारंभ में हमारा संविधान बना था तो बताइए उसमें अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया था, तो आपको उत्तर होना चाहिए सर 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। लेकिन मैं बोलूँ बताइए वर्तमान समय में अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, तो आप बोलेंगे सर वर्तमान में 22 प्रादेशिक भाषाओं को अनुसूची 8 के अंतर्गत रखा गया है। मैं बोलूँगा हमारे देश की राजभाषा क्या है, भारत राष्ट्र की अर्थात भारत संघ की राजभाषा क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए सर भारत संघ की राजभाषा क्या हिंदी है। अब जैसे हिंदी शब्द आया तो मैं बोलूँगा तुरंत मुझे बताइए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बोलेंगे सर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो मैं बोलूँगा एक बात बताइए 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो आप मुझे बताओगे कि सर 14 सितंबर 1949 वह दिनांक था जब गोपाल स्वामी अयंगर जी ने हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रस्तुत किया और उसी दिन से हिंदी हमारी राजभाषा बन गई। तो मैं बोलूँगा कि किसने प्रस्तुत किया, तो आपका पुनः उत्तर होगा कि इसे प्रस्तुत करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था गोपाल स्वामी अयंगर जी। इसके बाद मैं बोलूँगा ठीक है आपको तो पता चल गया हिंदी दिवस कब मनाया जाता है 14 सितंबर 1949, लेकिन मैं बोलूँगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा सर जब आप विश्व हिंदी दिवस की बात कर रहे हैं तो यह 10 जनवरी को प्रतिवर्ष क्या विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस प्रकार विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस के बारे में आपको समझ आ गया। अब जो चर्चा का विषय होगा वह होगा अनुच्छेदों के बारे में, अर्थात हमने पढ़ा है कि इसका उल्लेख अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 के मध्य है। तो इसमें जो आपके हिंदी से देखिए आज का विषय हिंदी का है, तो मैं इसको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। अगर मैं बोलूँ राजभाषा कैसा शब्द है, एक संवैधानिक शब्द है क्योंकि इसका उल्लेख आपके संविधान में मिलता है, इसीलिए कैसा शब्द है संवैधानिक शब्द है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि दोस्तों मैं आपको इसे सरल शब्दों में समझाऊं। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं राजभाषा के संदर्भ में और उससे संबंधित अनुच्छेदों के बारे में। तो चलिए इस चर्चा को आगे लेकर चलते हैं और अनुच्छेद 343 पढ़ते हैं। दोस्तों जब भी आप अनुच्छेद 343 की बात करोगे, इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल 343, जब भी आप अनुच्छेद 343 की बात करोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसी में बताया गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी। मैं फिर से दोहराता हूँ अनुच्छेद 343 में ही हमें कहा गया है भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी और राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि होगी। तो मैं क्या बोला यहां, इसमें मेरे को पता चला भारत संघ, संघ यानी राष्ट्र या देश, भारत संघ की राजभाषा क्या होगी भैया हिंदी, वह भारत संघ की राजभाषा क्या होगी हिंदी होगी, वह लिपि देवनागरी लिपि होगी। तो मैं बोलूंगा संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा
हिंदी होगी तो आपका उत्तर होना चाहिए। सर अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा क्या होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न मैं यह पूछ दूंगा कि हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है बताइए, तो आपका उत्तर होना चाहिए सर देवनागरी लिपि है। तो मैं बोलूंगा इस बात का पता आपको कहां से चलता है, तो आप तत्काल मुझे बोलोगे सर संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी, वह लिपि देवनागरी लिपि होगी तथा अक्षर अंतरराष्ट्रीय समूह के होंगे। ठीक है, मैं आपको आज हिंदी के उद्देश्य से, हिंदी को बताने के उद्देश्य से ये सब चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। अब अनुच्छेद 343 के बाद हम आते हैं अनुच्छेद 344। तो अनुच्छेद 343 में मुख्यतः चीज़ें और भी हैं लेकिन उसमें हम संविधान में पढ़ेंगे। हिंदी पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पता चला कि अनुच्छेद 343 पे हमको पता चलता है कि भारत संघ की राजभाषा अर्थात भारत देश की राजभाषा हिंदी होगी तथा लिपि देवनागरी लिपि होगी। उसके बाद मैं अनुच्छेद 344 में आता हूँ, तो अनुच्छेद 344 बोलता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, किसको सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को राजभाषा संबंधी सलाह देने के लिए एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। मैंने क्या बोला, राष्ट्रपति को राजभाषा संबंधी सलाह देने के लिए एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। दोस्तों आज का जो यह लेक्चर है उसको मैं चाह रहा हूँ कि आप साथ ही साथ याद भी करते जाइए। तो मैं बोलूँगा संविधान के किन अनुच्छेदों के मध्य राजभाषा को उल्लेख है, तो आपको उत्तर होना चाहिए सर 343 से 351 के मध्य है। तो यदि मैं पूछूंगा संविधान 343 क्या बोलता है, सॉरी अनुच्छेद 343 क्या बोलता है, तो आप बोलोगे सर मुख्यतः दो बातें बोलता है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि हमारी राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि होगी। फिर मैं बोलता हूँ अनुच्छेद 344 के बारे में बताइए, तो आप बोलोगे सर राष्ट्रपति को राजभाषा संबंधी सलाह देने के लिए एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। याद रखिएगा इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। जैसे ही ऐसा कहा गया तो एक डेट मिलेगा और वो डेट रहेगा 7 जून 1955। क्या डेट मिलेगा दोस्तों, 7 जून 1955। 7 जून 1955 को, ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है, 7 जून 1955 प्रथम राजभाषा, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ। तो प्रश्न कैसे बनेगा आप देखिएगा, बोल देगा प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, तो कब हुआ था, 7 जून 1955 को हुआ था। प्रश्न यह हो जाएगा कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो लिख देता हूं मैं प्रथम अध्यक्ष, तो याद रखिएगा इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर थे। कई बुक में बी जी खेर मिलता है, तो बाल का बी और गंगा का जी, बी जी खेर थे। क्लियर हुआ, तो प्रश्न क्या बनेगा, अनुच्छेद 343 क्या बोलता है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी तथा राष्ट्रीय लिपि क्या होगी, देवनागरी लिपि होगी। अनुच्छेद 344 क्या बनता है
कि राष्ट्रपति को राजभाषा संबंधी सलाह देने के लिए एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और जैसे ही ऐसी कहा गया तो एक डेट आपको दिमाग में आना चाहिए, और डेट क्या होगा, 7 जून 1955। और 7 जून 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, और जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बीजी खेर थे या बाल गंगाधर खेर थे। तो प्रश्न ऐसे ही बनेगा कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष के नाम बताइए, तो आपको तत्काल आंसर आना चाहिए बाल गंगाधर खेर। यदि प्रश्न यह बन गया कि बताइए प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, तो तत्काल आपको उत्तर आना चाहिए 7 जून 1955। अब इसके बाद क्या होता है, इसी स्टोरी को मैं आगे लेकर चलता हूं। अब 7 जून 1955 को तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष मिल गए और आपको एक आयोग मिल गया। इसने एक रिपोर्ट सौंपा, कब रिपोर्ट सौंपा, रिपोर्ट अर्थात प्रतिवेदन सौंपा जुलाई 1956 में, और इस प्रतिवेदन की समीक्षा करने के लिए एक संसदीय राजभाषा समिति बनी। तो प्रश्न यह उठता है कि बताइए संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ था, और पूछ देगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो एक डेट मिलेगा आपको 16 नवंबर 1957। डेट को ध्यान देते जाइएगा दोस्तों, 16 नवंबर 1957 को यहां एक वर्ड जुड़ जाएगा, संसदी राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। अध्यक्ष इसके कौन थे, तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछेगा कि प्रथम राजभाषा आयोग बोल दिया तो कौन थे भैया, तो आप बाल गंगाधर खेर बोलोगे, लेकिन आपके शब्द में संसदीय राजभाषा आयोग जुड़ गया, अर्थात संसदीय जुड़ गया। बताइए संसदीय राजभाषा आयोग का गठन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपको उत्तर होना चाहिए गोविंद वल्लभ पंत जी थे। प्रश्न यह उठेगा कि संसदीय राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, तो 16 नवंबर 1957 को हुआ था। इसके बाद मैं अनुच्छेदों पर आना चाहूंगा। अब मैं उल्लेख करना चाहूंगा अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य राजभाषा संबंधी क्या उल्लेख है। यह सब इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हिंदी भी हमारी राजभाषा है, तो चूंकि हम हिंदी को जानते हैं हमारी राजभाषा है, तो उससे संबंधित अनुच्छेदों प्रावधानों को भी पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। तो दोस्तों एक बार पूरा रिवाइज करते हैं, पूरा रिकॉल करते हैं, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मैं जब भी बोलूंगा आपको राजभाषा, तो राजभाषा से आप क्या समझते हैं, तो आप बोलेंगे सर यह तो सरकारी कामकाज की भाषा है। जब भी मैं बोलूंगा राजभाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है, तो आप बोलेंगे 17वें भाग में है। मैं बोलूंगा किन अनुच्छेदों के मध्य है, तो आप बोलेंगे 343 से 351 के मध्य है। मैं बोलूंगा अनुसूची बताइए किस अनुसूची में इसका उल्लेख है, तो आप बोलेंगे सर 8वें अनुसूची में उल्लेख है। और जैसे आप 8वें अनुसूची बोलते हो, मैं बोलूंगा संविधान बना था या मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूची थे। लेकिन मैं बोल दूंगा बताइए वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आप बोलेंगे सर 12 अनुसूचियां हैं। मैं बोलूंगा मूल संविधान जब बना था तो अनुसूची 8 में कितने भाषाओं को शामिल किया गया था, तो आप बोलोगे सर अनुसूची 8 में ना उस समय 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। लेकिन मैं प्रश्न को इस प्रकार बोलूं कि वर्तमान समय में अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं, तो आप बोलोगे सर इसमें 22 वर्तमान में 22 प्रादेशिक भाषाएं हैं। मैं बोलूंगा क्या इन 22 प्रादेशिक भाषाओं में से ही राज्य सरकार अपनी राजभाषा बना सकती है, तो बोलोगे सर हाँ, जहाँ जहाँ अगर उबन नहीं हुआ वहाँ अंग्रेजी रहेगा, लेकिन जहाँ भी कोई राज्य अपनी राजभाषा बनाना चाहता है तो इन 22 भाषाओं में से अपनी राजभाषा बना सकता है। लेकिन मैं बोलूँगा ठीक है राज्य तो इन 22 भाषाओं में से अपनी राजभाषा बना लिए, भारत संघ की राजभाषा क्या होगी, तो आप बोलोगे सर भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी। तो मैंने बोला कि आपको कैसे पता चला कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी, तो आप फिर मुझे बोलेंगे कि सर संविधान का अनुच्छेद 343 हमें बताता है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी और राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि होगी।
तो मैंने कहा ठीक है चलिए 343 की बात आपने किया तो बताइए अनुच्छेद 344 क्या बोलता है। तो आप तत्काल मुझे बोलोगे सर 344 में राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान है जिसका कार्य राष्ट्रपति को राजभाषा संबंधी परामर्श देना होता है। तो मैंने कहा अगर आपने राजभाषा आयोग का नाम ले दिया है तो मुझे बताइए कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। तो आप बोलोगे सर यह वह डेट है 7 जून 1955 जब राजभाषा आयोग का क्या हुआ था गठन हुआ था। तो मैं बोलूँगा कि बताइए राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आप बोलोगे सर राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे या बी जी खेर थे। तो मैं बोलूँगा चलिए आपको राजभाषा आयोग के बारे में भी जानकारी है तो मुझे यह बता दीजिए कि संसदीय राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। तो आप बोलोगे सर इसका गठन 16 नवंबर 1957 को हुआ था और आप ही यह बता दोगे कि सर इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे तो गोविंद वल्लभ पंत जी थे। इस प्रकार हमने समझा। और एक प्रश्न और पूछ दूंगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो आपका उत्तर होना चाहिए 14 सितंबर लेकिन मैं बोल दूंगा विश्व हिंदी दिवस तो आपका उत्तर होना चाहिए 10 जनवरी। यदि मैं बोलूंगा हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ तो आपको उत्तर होना चाहिए 14 सितंबर 1949 को भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को दर्जा प्राप्त हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक जितना पढ़ाया हूँ आपको समझ आया होगा। और दोस्तों आज ज़रा मेहनत करना पड़ेगा लेकिन मेहनत का परिणाम अच्छा ही होगा। आज आपके हिंदी के साथ साथ संविधान का भाग 17 का भी तैयारी हो रहा है तो धैर्य रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद। चलिए आगे लेते हैं हम अनुच्छेद 345 को। जो भी मेरे ऐसे मित्र हैं जिन्होंने पुराने मेरे 2 वीडियो नहीं देखे उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों एक बार उस वीडियो को देख लेना उससे आपके हिंदी की पृष्ठभूमि क्लियर हो जाएगी। अभी मैं हिंदी के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ हिंदी के बाद मैं लिखूँगा हिंदी भाषा और फिर आज के बाद मतलब 1-2 लेक्चर के बाद मैं भाषा की चर्चा करना प्रारंभ करूंगा। अभी तो मैं सिर्फ हिंदी शब्द पर चर्चा कर रहा हूँ उसके बाद हिंदी भाषा में भाषा के ऊपर चर्चा करूंगा और भाषा में फिर हम वर्णमाला का भी अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों 1-2 दिन में आपका वर्णमाला का भी क्लास क्या हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा। तो निरंतर पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। तो राजभाषा दोस्तों राजभाषा में अब अनुच्छेद 345 की बारी आती है। अब अनुच्छेद 345 क्या बोलता है अगर आप में से किसी को पता होगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अनुच्छेद 345 क्या होता है। दोस्तों जब भी हम 345 पढ़ते हैं संविधान के अनुच्छेद 345 पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि जो अनुसूची 8 में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से कोई भी भाषा को राज्य सरकार अर्थात राज्य अपनी क्या बना सकती है तो अपने सरकारी कामकाज की भाषा बना सकती है अर्थात राजभाषा बना सकती है। तो मैंने क्या कहा प्रत्येक राज्य अनुसूची आठ में वर्णित बाईस प्रादेशिक भाषाओं में से किसी भाषा विशेष को अपनी राजभाषा बना सकती है। मैंने क्या बोला कि अनुच्छेद 345 से हमको पता चलता है कि अनुसूची 8 में जो 22 भाषाएं हैं राज्य उनमें से किसी भी भाषा को अपनी राज्य भाषा बना सकता है। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ आ गया होगा
कि 345 क्या बोला, 343 शुरू से बोलता हूँ, 343 क्या बोला कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी और राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि होगी। 344 क्या बोला कि बोला कि राष्ट्रपति को राजभाषा संबंधी परामर्श देने के लिए एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। उसके बाद जो डेट पढ़े हम लोग 7 जून 1955 और 16 नवंबर 1957। उसके बाद अनुच्छेद 345 क्या बोला, तो 345 बोलता है कि प्रत्येक राज्य जो अनुसूची 8 में 22 प्रादेशिक भाषा हैं उनमें से किसी भाषा को अपनी राजभाषा बना सकती है। अनुच्छेद 345 के बाद मैं आना चाहूँगा अनुच्छेद 346। अनुच्छेद 346 क्या बोलता है, साधारण भाषा में बोलूं दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, यह संचार की भाषा है। कैसे, पत्र आदि की भाषा है। यदि मैं बोलूं संघ अर्थात देश और राज्य के मध्य, यदि मैं बोलूं राज्य और राज्य के मध्य, और मैं बोलूं एक गैर हिंदी और गैर हिंदी राज्यों के मध्य, पत्र आदि के संबंध में जो उपबंध किया गया है कि वह किस भाषा में होगा, उसका उल्लेख हमको अनुच्छेद 346 में मिलता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि दो राज्य या आपस में सहमति बनाते हैं कि उनके बीच या पत्र आदि हिंदी भाषा में हो, तो वह हिंदी भाषा में होगा। जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि में, बिहार आदि में ऐसा समझौता हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ अनुच्छेद 346 भी समझ आया होगा। अब अनुच्छेद 346 के बाद अनुच्छेद 347 में आते हैं हम लोग। दोस्तों साधारण भाषा में बोलना चाहूंगा, इसको नोट करते जाइएगा जो भी मैं बोल रहा हूँ। अनुच्छेद 347 साधारण भाषा में समझिए, जैसे कि प्रारंभ में 14 प्रादेशिक भाषाओं को हमारे किसमें अनुसूची 8 में शामिल किया गया था, वर्तमान में 22 है। उसी प्रकार यदि राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि किसी क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को अनुसूची 8 में शामिल करना है, तो वह किस अनुच्छेद के तहत करता है, अनुच्छेद 347 के तहत करता है। मतलब मैं यह कहना चाहूँगा कि अनुच्छेद 347 हमें बताता है कि किसी क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्रपति अनुसूची 8 में शामिल कर सकता है। अर्थात इसकी संख्या और भी क्या हो सकती है, अगर राष्ट्रपति चाहे बढ़ सकती है, और इसका पता हमें अनुच्छेद 347 में चलता है। अनुच्छेद 300 दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण हिंदी के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसे मैं लिख कर बता रहा हूँ, तथा जो मैं छोड़ रहा हूँ और जिसके बारे में मैं जो बोल रहा हूँ उसको कृपया आप लोग नोट करते जाइएगा। तो 346 मतलब संचार की भाषा, पत्र आदि की भाषा के संबंध में उपबंध है। 347 में क्या किया गया है, 347 में बताया गया है कि राष्ट्रपति अनुसूची 8 में अन्य भाषा को भी क्या कर सकता है, शामिल कर सकता है। जैसे छत्तीसगढ़ी को राजभाषा बनाने के संबंध में मांग किया जा रहा है, यदि राष्ट्रपति अगर इसको राजभाषा बनाया जाना है तो इसे अनुसूची 8 में जोड़ा जाएगा। और ऐसा हम कर सकते हैं इस बात की जानकारी, अर्थात राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है, इस बात की जानकारी हमको किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है, तो अनुच्छेद 347 से प्राप्त होती है। इसके बाद आते हैं हम अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 348 दोस्तों क्या बोलता है, उच्च न्यायालय, बोलता है उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय एवं विधेयक की भाषा दोस्तों ध्यान दीजिए अंग्रेजी होगी। अनुच्छेद 348 बोल दिया कि जो उच्च न्यायालय है
उच्चतम न्यायालय है एवं विधेयक। विधेयक कहने का तात्पर्य यह रहता है दोस्तों, प्रश्न पूछा जाता है रेलवे में बहुत बार, यह प्रश्न भी आया हुआ है कि देश के लिए कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, तो हरदम इसका उत्तर रहता है संसद के पास। किसके पास होता है? संसद के पास होता है। संसद में ही कानून बनता है, सांसदों द्वारा बनाया जाता है। सांसद अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दो इसके सदन होते हैं। तो दोस्तों कोई भी चीज़ जब सांसदों द्वारा संसद में कानून बनाने के लिए रखा जाता है तो कानून बनने से पहले वह विधेयक रहता है। विधेयक का अगला स्वरूप ही कानून रहता है। तो बता रहा है अनुच्छेद हमको 348 कि जो उच्च न्यायालय होगा, उच्चतम न्यायालय होगा एवं विधेयक की जो भाषा होगी वह अंग्रेजी होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 120 जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि संसद की कार्रवाई ही राजभाषा हिंदी में हो सकती है, तथा यदि कोई सदस्य अगर लोकसभा का सदस्य है तो वहाँ लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति से, तथा यदि कोई सदस्य राज्यसभा का सदस्य है तो सभापति के अनुमति से वह अपनी मातृभाषा में भाषण दे सकता है। लेकिन मातृभाषण दे सकता है। तो उम्मीद करता हूँ अनुच्छेद 348 समझ आ गया होगा और इसके संबंध में अनुच्छेद 120 समझ आ गया होगा। सॉरी 120 था अनुच्छेद, 210 नहीं 120 था। अनुच्छेद 120 बोलता है कि संसद में होने वाली कार्यवाही हिंदी में हो सकती है, राजभाषा हिंदी में हो सकती है, होती है, और जो सदस्य हैं वह अध्यक्ष और सभापति से अनुमति लेकर अपनी मातृभाषा में भाषण दे सकते हैं। यह इसका हिस्सा नहीं था अनुच्छेद 120, फिर भी इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मैं आता हूं अनुच्छेद 349 में। दोस्तों इसमें उल्लेख है भाषा के लिए विशेष अधिनियम। दोस्तों क्या होता है, कोई भी चीज हम संसद में पेश करते हैं अर्थात सांसद संसद में पेश करते हैं तो कुछ चीजों को छोड़कर उन्हें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है। हम संविधान में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति किसके लिए आवश्यक होता है। लेकिन राजभाषा के संबंध में भी अगर कोई विधेयक लाना है तो उनको क्या होना पड़ेगा, उनको क्या लेना पड़ेगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अर्थात इन शॉर्ट में कहना चाहूँ तो अनुच्छेद 349 में भाषा के लिए क्या किया गया है, विशेष अधिनियम का प्रावधान किया गया है। अब आते हैं अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350 अर्थात अभ्यावेदन की भाषा। मैंने क्या कहा, शिकायत निवारण के लिए अभ्यावेदन की भाषा का उल्लेख। उसके बाद अनुच्छेद 350 में मतलब अभ्यावेदन मतलब आवेदन, ठीक है। तो इसमें इसके आवेदन के भाषा के बारे में बताया गया है कि वो भाषा किसी भी भाषा में आप कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो आता है 350 का आता है अनुच्छेद 350 का, अनुच्छेद 350 का में बोला गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना अनिवार्य है। क्या बोला गया है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उपबंध किसमें किया गया है, अनुच्छेद 350 का में दिया गया। क्या बोला मैंने, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान।
उसके बाद आता है अनुच्छेद 350 खा, ये हो गया 350 का। अब आता है अनुच्छेद 350 खा। इसमें यह प्रावधान किया गया है दोस्तों कि राष्ट्रपति अल्पभाषी लोगों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, अनुच्छेद 350 खा में क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति अल्पभाषी लोगों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 351 जो कि इस राजभाषा का अंतिम अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का यह दायित्व होगा कि वह हिंदी के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए प्रयास करें। इस प्रकार दोस्तों आज हमने राजभाषा का अध्ययन किया और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि राजभाषा है क्या। इसका जो संबंध था हमने संविधान से समझा, क्योंकि दोस्तों संविधान को समझे बिना राजभाषा को समझना मुश्किल था। तो प्रश्न अब कैसे बनते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। प्रश्न बनेगा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है? तो आप बोलोगे राजभाषा है। पता कैसे चला? तो संविधान से चला। संविधान से कैसे पता चला? तो आपने कहा कि भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है, अनुसूची 8 में 22 वर्तमान में 22 प्रादेशिक भाषाएं हैं। और मैं बोलूँगा अच्छा अनुच्छेद बताइए, तो आप बोलोगे अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य राज्य भाषा के बारे में उल्लेख है। तो मैं बोलूँगा अच्छा ये है बताइए कि अनुच्छेद जो 343 है वह क्या बोलता है? तो आप बोलोगे सर यह बोलता है कि हिंदी भारत संघ की राजभाषा होगी और लिपि जो होगी हमारी राष्ट्रीय लिपि वह देवनागरी लिपि होगी। मैं आपसे बोलूँगा प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आप बोलोगे बाल गंगाधर खेर थे। लेकिन मैं बोल दूँगा प्रथम संसदीय राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, सॉरी गठन कब हुआ था बोल दूँगा, तो आप बोल दोगे गठन सर 16 नवंबर 1957 को हुआ था। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य एवं केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि वो हिंदी का प्रचार प्रसार एवं विकास करें? तो आपका उत्तर होना चाहिए अनुच्छेद 351 है। इसी तरह मैं बोल दूँगा कि बताइए कि जो हिंदी है तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बोलोगे सर आपने सिर्फ हिंदी दिवस बोला है, तो यह मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो मैं बोलूँगा 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो आप फिर से बोलोगे सर 14 सितंबर 1949 को हमने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दिया, इसलिए हम उसी दिन क्या मनाते हैं, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बोलोगे सर 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। एक प्रश्न मैं यह कहना चाहूँगा और आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपसे उम्मीद करूंगा कि आप उसको खोज के लाओगे कि जो पिछला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, किस क्रम का था, और आगामी विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ होने वाला है और किस क्रम का है। यह आपका होमवर्क रहेगा और इस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में हम भारत की लिपि के बारे में यहाँ प्रचलित लिपियों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सी लिपि सबसे पुरानी लिपि है, विभिन्न लिपियों का जन्म किस लिपि से हुआ है। अगर देवनागरी लिपि पढ़ रहे हैं तो देवनागरी लिपि का हम के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ लिपि के बाद भाषा के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे और भाषा में चर्चा करने के बाद इस पाठ के अर्थात हिंदी का जो एक पहला पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, एक जो इसका हम लोग इंट्रो पढ़ रहे हैं, एक परिचय पढ़ रहे हैं, उस पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर वर्णमाला हम प्रारंभ करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का जो चैप्टर था वो संविधान से संबंधित था। मैंने कोशिश किया कि संविधान और हिंदी को साथ लेकर चलूँ, तो उम्मीद करता हूँ
कि यह आपको समझ आया होगा और यह वीडियो को एक से दो बार देखेगा चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। और जो भी मेरे दोस्त, जो भी मेरे साथी जो पुराने दो वीडियो को नहीं देखें उसको भी देखिएगा, ताकि एक क्रमबद्ध तरीके से आपका हिंदी का अध्ययन चलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।